अब जादू कैसे किया जाता है, मैं इस मामले में तफसीलात में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसकी तफसीलात में गया तो मैं खुद बताने वाला हो जाऊंगी कैसे किया जाता है, तो मैं उसकी तफसीलात में नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ आपको बस मुख्तसर सा ऊपर ऊपर के ऐसा होता है, जो लोग इस फन में महारत रखते हैं या वो चाहते हैं कि जादू का इलाज के लिए सीखे वो किताबों से फायदा उठा सकते हैं, लेकिन चूंकि उमूमन आवाम सुन रही है लिहाजा मैं वो तरीके का नहीं, लेकिन कैसा होता बस थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेन करना चाहूंगा आपसे। पहली चीज तो ये जादू कैसे किया जाता है, तो जादूगर पहले सबसे पहले जो काम करता है वो कुफ्र और शिर्क करता है। कैसे वो तफसीलात मैं नहीं दूंगा आपको। जादूगर मुख्तलिफ किस्म के कुफ्र और शिर्क करता है, और इसका कुफ्र और शिर्क जितना ऊंचे लेवल का होता है उतना ज्यादा शयातीन खुश होकर उसके जादू को असरअंदाज करते और उसके लिए ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं। ये काम जादू के असर करने में भी होता है और किसी पे जादू है उसके पास लाया जाता है तो उतारने में भी होता है, मतलब करनी में भी और तोड़ में भी दोनों ही कर सकता है, समझे आप। करनी मतलब जादू जो होता है उसको आम उर्दू में करनी बोलते लोग, और तोड़ मतलब उसके तोड़ के लिए, तो दोनों कर सकता है। तो जादूगर सबसे पहले बहुत ऊंचे दर्जे का कुफ्र और शिर्क करता है। जब वो अपने कुफ्र और शिर्क में बढ़ जाता है और जितना ज्यादा बढ़ता है उतने बड़े लेवल के शयातीन उससे खुश होते हैं और खुश होकर अपने चेले चपाटों को उसके हवाले कर देते हैं कि जाओ उसकी मदद करो जब जरूरत पड़े तो। और फिर दोनों के अंदर एग्रीमेंट होता है, बॉन्डिंग्स हो जाती है, एग्रीमेंट करते हैं। और बहुत सारे जिन और शयातीन जब एग्रीमेंट करते हैं तो वो बहुत खतरनाक एग्रीमेंट्स होते हैं, याद रखिए, जो वो करवा के लेते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे लिए काम करें तो ये कुफ्र और शिर्क से तो हम खुश हुए, लेकिन इसके अलावा भी तुम्हें बहुत सारी चीजें करना होंगी, जैसे कि अल्लाह रहम करे अपने पहले बेटे को जुबा करना पड़ेगा हमारे लिए, तुम्हें जानवरों की कुर्बानी देकर उसको लाकर वहां इस जगह फेंकना होगा जहां हम चाहेंगे, इसी तरह जो है तुम्हें जो है अपनी बीवी से फला फला दिनों तक दूर रहना या उसको हमारे लिए पेश करना होगा, उस पर उसको राजी होना पड़ता है, इसी तरह तुम्हारे बाल जब तक काले रहेंगे जब तक हम असर में रखेंगे, सफेद होने के बाद तुम्हारा असर हम खत्म कर देंगे, जब तक पिछली दाढ़े तुम्हारी सलामत होंगी हम असर करेंगे, दांत झड़ जाएंगे तो हम तुम्हारा काम फिर नहीं लेंगे, इसी तरह तुम जब तक हम तुम्हारा काम करते रहेंगे जब तक तुमको औलाद नहीं होने देंगे हम, अगर वो मंजूर करता है तो उसकी औलाद को पेट में मारते जाते हैं हर बार, तो वो बहुत जबरदस्त एग्रीमेंट करते हैं और बहुत सारा दुनिया में भी उससे ले जाते हैं और आखिरत तो उसको भिखारी बना ही देते हैं, दुनिया भी जाती है। तो जादूगर सबसे पहला काम ये करता, साहिर शयातीन को खूब खुश करता है मुख्तलिफ जरियों से, मुख्तलिफ तरीकों से। जब वो खुश हो जाते हैं तो वो उससे डिमांड करते हैं और कंडीशनल दोनों की बॉन्डिंग होती है, फिर मिल जाते हैं कि भाई क्या क्या करेंगे क्या क्या नहीं, और जितना ज्यादा कुफ्र और शिर्क उतना बड़ा वो जादूगर जादू के असर में भी होता है और तोड़ में भी होता है वो कर सकता है, याद रखिए, ठीक है। फिर जरूरत पड़ने पर जब वो खुश कर लेता है शयातीन को, जब चाहता है उनको हुक्म देता है और शयातीन फिर उसके हुक्म पे, या दूसरे अल्फाज में कहूं शैतानों के हुक्म पर, ये क्योंकि जो चीज गायब है वो कब्जे में नहीं आती, याद रखिए, जो चीज दिखती है उसको कब्जा कर सकते, तो बहरहाल वो उसके जो है कब्जे में ले लेता है। और फिर दोनों अपने जो भी उनकी आपस में बातचीत होती है कितना क्या और कैसे वो मिलकर काम करते हैं, इसी तरह जो है जादूगर की गलतफहमी ये होती है कि शयातीन उसके कब्जे में है, लेकिन बात हमेशा याद रखिए वो शयातीन के कब्जे में होता है अनकंडीशनली, उसको बगैर अपनी शरायत के उसको वो सारी शर्तें मानना पड़ती है जो उसको वो जिन या वो शैतान कहता है, और वो उसके कब्जे में जाता है लोगों से कहता है कि मेरे कब्जे में, जबकि उसके कब्जे में नहीं, ये उसके कब्जे में होता है। इसी तरह जो है जिन एक आज़ाद मखलूक है इसको अपने थाबे या कब्जे में लेना शरण दुरुस्त नहीं है। ये सिर्फ सुलेमान अलैहिस्सलाम का मौजजा था कि अल्लाह ने आपके मातहत काफिर जिनों को भी कर दिया था, और अगर वो ना मानते तो उनको सजा दी जाती थी, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा ताबईन तबे ताबईन इमाम सलफ सालहीन से किसी से भी जिनों को अपने पास रखना या उनसे काम लेना साबित नहीं है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी जिन को कब्जे में नहीं लिया, अगर ये जायज और हलाल होता तो जरूर किया था। अबू बकर सिद्दीक, उमर इब्न खत्ताब, उस्मान इब्न अफ्फान, अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु अजमईन, ये सहाबा ने कभी नहीं किया। 150,000 के करीब सहाबा की जमात में से एक के पास भी जिन कब्जे में नहीं था। उसके बाद जो ताबईन और तबे ताबईन में से किसी की कोई रिवायत नहीं मिलती कि इनके पास जिन कब्जे में था और उससे काम लेते थे अच्छाई के। इसी तरह जो इमामों में से चारों इमाम जिनको बहुत मारूफ और मशहूर माना जाता है, इमाम अबू हनीफा के पास कोई जिन होने की दलील नहीं है, इमाम शाफई के पास कोई जिन नहीं था कि वो ताबे रख के अच्छे और बुरे काम लेते थे उससे, समझ रहे हैं, मतलब होता है जैसे ये कह रहे हैं हम अच्छे काम करवाते हैं, तो यह बड़े बड़े इमाम हैं इन चारों के पास नहीं था। उसके पास सलफ सालहीन की एक लंबी खतार है, किसी के पास भी नहीं था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिनों को ताबे करना, कब्जे करना, या दूसरे अल्फाज हकीकत में उनके कब्जे में हो जाना दुरुस्त नहीं है, और यह शरण साबित नहीं है, और यह नहीं करना चाहिए, इसके ज्यादा नुकसान आते। इसी तरह जो है
जादूगर जादू करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करता है और वो वैसे ही तरीके इख्तियार करता है जैसे उसका शैतान उसको डिक्टेट करता है कि बाप जादू तुम्हारा करना है, कस्टमर आ गया जो परेशान है, अब वो डिक्टेट करता है कि देखो इसको ये बोलो, ऐसा बोलो, ये करो, ये मंगवाओ, ये कटवाओ, ये खिलाओ, ये काटो, ये चिपकाओ, ये दो, ये कुफ्र कराओ, ये शिर्क कराओ, इतने दिन वहां जाके ये करो बोलो फला करो, तो फिर हम इसका काम कर देंगे। और इनका असल मकसद शयातीन का क्या है, मैं जिनों की हकीकत में ये बात रख चुका हूं, जिनों की दुनिया में शैतान का हकीकी मकसद है इन्नहु हिज़्बहु लियकून मिन अस्हाबिस सईर, वो चाहता है खुद को और अपने टोले को जहन्नुम की आंख का साथी बनाए। तो ये कुफ्र और शिर्क करवाता है सबसे पहले, याद रखें। अब जादू की बात